तो 3 साल पहले आरपी का एक गाना आया था, पर उसमें कुछ इसी लाइन थी। नचा जा जिस पे वो गाना का सुत्ता, कुश्ती कबड्डी में भैया के मेडल पर, हिप हॉप में पीछे हरियाणा का सुत्ता। तो शायद इब हिप हॉप हरियाणा में पीछे कौन है, क्योंकि जो इंडिया का हिप हॉप शो है हसल, उसमें भी एक हरियाणवी आर्टिस्ट पहला पाया है। तो मैं बात कर रहा हूँ एमसी स्क्वायर की, और इब लग तो थमने भी मेरा पार्टिया होगा कि जो हसल का शो है वो एमसी स्क्वायर ने विन कर लिया है, और जो कि एक हरियाणा का रैपर है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी, अगर तुमने नहीं देखी तो वह भी जरूर देखियो। और यो तो थम सबने बेरा है कि असल के स्टेज पर कैसी कैसी परफॉर्मेंस दी थी एमसी स्क्वायर ने, और हरियाणा ने रिप्रेजेंट करा था असल के स्टेज पर एमसी स्क्वायर। तो कल एमटीवी असल वाला ने भी अनाउंस कर दिया कि एमसी स्क्वायर ही विनर है असल 2.0 का। द विनर ऑफ एमटीवी हसल 2.0 इज एमसी स्क्वायर। तो ये भी पो हरियाणा लाइक फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, जंग के मैदान में कदे ना हार। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा एमसी स्क्वायर के प्राइस की और एमसी स्क्वायर के इंपैक्ट की जो उसने हिप हॉप हरियाणा पे कराया है। तो यह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसने एंड तक देखियो। तो हाँ भाई, क्या चाल, सब बढ़िया। स्वागत है तुम्हारा ओजी डूड की एक और हिप हॉप रिलेटेड कॉन्टेंट वीडियो में। आलिया तारा भाई, ओजी डूड। तो एमसी स्क्वायर ने प्राइज मनी मिली है 10 लाख रुपए, और ये 10 लाख कुछ भी नहीं है जो एमसी स्क्वायर ने असल के स्टेज पे जाके कमाया है उसके सामने। एमसी स्क्वायर ने वो कमा लिया जो हर एक आर्टिस्ट का सपना हो है, लोगों का प्यार। और यो एक ऐसी चीज है जो एमसी स्क्वायर ने जीरो तो उठा के हीरो बना सका है, और एमसी स्क्वायर हीरो तो बना ही दिया हिप हॉप हरियाणा का इस शो ने। तो अब बात करें उन प्राइज की जो एमसी स्क्वायर ने असल 2.0 स्टेज के विनर होने के नाते मिले हैं। 10 लाख रुपए, ट्रॉफी, टीवी, स्पीकर्स और म्यूजिक वीडियो का कॉन्ट्रैक्ट विद एमटीवी। तो अब बात करते हैं एमसी स्क्वायर का ट्रिपल एच पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो जो डीएचएच की पब्लिक है, जो एमसी स्क्वायर ने असल के स्टेज पे जाना है, उन एमसी स्क्वायर के वे ट्रैक भी सुने थे जो कि हरियाणवी हिप हॉप ट्रैक थे, जिनमें हरियाणवी स्लैंग यूज करी गई थी। अगर उनमें आधे लोगों ने भी वो पसंद आया तो फिर वो हरियाणवी हिप हॉप ने फॉलो करेंगे, जिससे आने वाले टाइम में हिप हॉप हरियाणा का सीन भी बहुत बड़ा होने वाला है। और इसका एक और फायदा भी है, जिन लोगों ने एमसी स्क्वायर असल के स्टेज पर देखा है उन लोगों के अंदर भी कॉन्फिडेंस आओगा, और जो हरियाणवी हिप हॉप आर्टिस्ट हैं उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आओगा बाकी के दूसरे शो में जान का हिप हॉप हरियाणा ने और भी ऊपर ले आने का। और जिस तरह हमारे यहाँ की बोली है उसने वैसे भी हार्ड बोलना है, तो स्टेज पर होना लिया बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। तो बस यार, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे ऐसी हिप हॉप से रिलेटेड किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, चले भी जाओ ही पे। असल जिंदगी में मनमोहन सिंह, बाकी माइक शामी तो बन जाऊं मोदी न्यू तो का।